गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज तक हमने सिंपल इक्वेशन में क्या किया था कि जो इक्वेशन दे रखी थी उसमें से वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, लेकिन अब हमारा जो सिंपल इक्वेशन थर्ड पार्ट में हम क्या देखेंगे कि इसमें ये स्टेटमेंट देगा, उसमें पहले हमें इक्वेशन बनानी है और नेक्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेट अप द इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड अननोन नंबर। यानी जो वेरिएबल, जो अननोन नंबर बोल रखा है वो फाइंड आउट भी करना है और हमें क्या करना है, पहले सेटअप करना है इक्वेशन को। फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 4 गिव्स 3। ये बोल रहा है कि कोई नंबर है, वो नंबर हमें मानना पड़ेगा, अननोन है वो। 1/5 ऑफ ए नंबर यानी वो जो नंबर अननोन है उसका 1/5, जैसे जैसे बोलता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम पुट करते जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, एंड आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द अननोन नंबर। 1/5 ऑफ ए नंबर यानी एक नंबर मान दिया हमने, क्या, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स मान दिया हमने जो अननोन है उसको। अब इसने बोला 1/5 ऑफ ए नंबर यानी उस नंबर का 1/5, तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम नंबर मानने के बाद क्या लिखेंगे, ए टी क्यू, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कंडीशन इसने बोली है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब हम, इसने बोला था 1/5 ऑफ नंबर, तो 1/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट के अंदर ले लिया हमने वो नंबर। माइनस फोर गिव्स 3, तो क्या देता हुआ हमें, इक्वल टू 3 के हो जाता हो, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। तो हमने क्या कर दिया, सेटअप द इक्वेशन, ये वाला सोल्व कर लिया। आगे क्या बोल रहा है, सोल्व टू फाइंड द अननोन नंबर, तो हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। 1/5 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक्स, और डिवाइड में 5 था तो एक्स डिवाइड 5 इक्वल टू 3, और ये 4 माइनस में इसके साथ था, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 3 + 4। तो उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आएगा, एक्स डिवाइड 5 और जो ये 4 था इसको 3 की तरफ भेजेंगे तो माइनस का था वो प्लस का हो गया। तो आगे हमें क्या निकालना है, अननोन नंबर जो हमने माना था उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स के डिवाइड में क्या है 5, तो उसको दूसरी साइड जब भेजेंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो पहले इनको सॉल्व करो, 3 + 4 कितने हो जाएंगे 7, और ये 5 डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ये हो गया था 7, एंड 5 जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो कितना हो गया 35, यानी x की वैल्यू 35 आ गई। x हमने क्या माना था, वो अननोन नंबर था, वही तो माना था, तो क्या हो जाएगा, सो अननोन नंबर इक्वल टू 35, यानी इक्वेशन भी बन गई और उसको सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्ना सब्जेक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक ही हैज़ फ्रॉम 50, ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट एक साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ कर देखते हैं और इक्वेशन बनाते चलेंगे। ये बोल रहा है मुन्ना सब्ट्रैक्ट थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, बोल रहा है कि मुन्ना जो है सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक, यानी जो नंबर ऑफ नोटबुक है उनका 3 times। ही हैज़, जितनी नोटबुक वो रखता है यानी जितनी नोटबुक उसके पास है उसका 3 times सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम 50 में से। तो फ्रॉम 50 बोला है, इसमें कन्फ्यूज मत हो ना, उस नंबर में से 50 माइनस नहीं करना, फ्रॉम 50 बोला है तो 50 में से माइनस करेगा ये, एंड ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो ये किसका, कितना रिजल्ट मिलता है 8, तो क्या करेंगे, लेट ही हैज़ नोटबुक इक्वल टू कितनी मान ली हमने, x मान ली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, फ्रॉम 50 में से माइनस करना, तो 50 लिख लिया हमने, माइनस करना था, माइनस का साइन लगा दिया, कितना माइनस करना था, 3 times द नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक x थी और उसका 3 times क्या हो जाएगा, 3x। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें 3 + x कर देते हैं, तो इसने 3 times बोला, इसका मतलब है 3 multiply, तो 3 multiply मतलब 3x, 50 - 3x, और कितना मिलता है हमें रिजल्ट, 8, तो इक्वल टू क्या रख देंगे, 8। वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में बनी थी, ऐसी इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50, अब ये देखो ये -3x है, अगर मैं उठाकर इसको इक्वल टू से इस साइड भेज देता हूँ तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 8 था उसको नंबर की तरफ ले आऊँगा 50 की तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम 50, ये 8 इस साइड आएगा तो -8 इक्वल टू ये 3x दूसरी साइड चला गया, तो ये प्लस का हो गया 3x। तो 50 - 8 कितना होता है, 42 इक्वल टू क्या था, 3x, तो 3x इक्वल टू 42 हो गया, और हमें क्या निकालना है, अननोन नंबर, x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू ये 42 एज इट इज़ रखा, और 3 जो मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड जाकर डिवाइड में, तो 3 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से 42 कितने पर कैंसिल होगा, 14 पर हो गया। तो x की वैल्यू 14 आई, इसका मतलब x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ नोटबुक, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नोटबुक इक्वल टू 14, यानी उसके पास स्टार्टिंग में 14 नोटबुक थी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आपको स्टेटमेंट को बनाते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट इसने बोल किस टाइप से रखी है उसी टाइप से चलेंगे, अगर उसको बनाने में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टीचर टेल्स दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। फाइंड द लोएस्ट स्कोर। तो इसमें क्या बोलेगा, इसमें एक ही चीज़ की दो कंडीशन दे गए तो उनको हमें इक्वल रखना है। देखो क्या बोला है, टीचर ने बोला है कि किसी को हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं उसकी क्लास में, ठीक है, और वो हाईएस्ट मार्क्स किसके इक्वल हैं, इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यानी जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसका ट्वाइस प्लस 7, और उसके अंदर 7 प्लस कर देंगे उसके इक्वल हैं वो हाईएस्ट मार्क्स, और हाईएस्ट मार्क्स इसने दे कितने दिए 87, और लोएस्ट मार्क्स निकालने। तो हम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, तो इसने कंपैरिजन किसका दिया है, ट्वाइस या थ्री टाइम्स फोर टाइम्स, ये किसका लोएस्ट के कंपैरिजन में बोला है, तो हमने क्या मान लिया, लेट लोएस्ट स्कोर इक्वल टू एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला था, पहले इसने लोएस्ट स्कोर एक्स मान लिया और हाइएस्ट स्कोर हमें पता है कितना था, हाइएस्ट इसने कितना बताया है, ये यहाँ बता रखा 87, ठीक है। एक तो इसने हाईएस्ट 87 के इक्वल बता दिया, दूसरा इसने कंडीशन के अकॉर्डिंग हाईएस्ट कितना बताया है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो यानी ये भी हाईएस्ट है और ये भी हाईएस्ट है, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, सेम ही तो हैं दोनों, तो क्या करेंगे, ट्वाइस द लोएस्ट, यानी लोएस्ट एक्स था उसका ट्वाइस कर दिया, टू मल्टीप्लाई एक्स टू एक्स हो गया, प्लस 7, प्लस 7 भी कर दिया, इक्वल टू हाईएस्ट कितना था 87। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसने बोला है हाईएस्ट कितना है, ट्वाइस द लोएस्ट, हमने कर दिया ट्वाइस द लोएस्ट, 2x हो गया, प्लस 7, यानी ये हाईएस्ट आ गया हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसने हाईएस्ट दे कितना रखा है 87, तो इस 87 के इक्वल में रख देंगे इसको, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और इसमें हम क्या निकालेंगे, वेरिएबल की जो अननोन वैल्यू है वो निकालेंगे, 2x इक्वल टू 87 रखा, और ये 7 प्लस में था, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 87 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 80, एंड ये 2 मल्टीप्लाई में था, ये इस साइड डिवाइड में आ गया, जब हम इसको कट करेंगे तो 2 से ये, और 2 से कितने पर कट हो गए 40 पर, तो कितना आ गया 40, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 40, और x हमने क्या माना था, देखो ये यहाँ मान रखा लेट लोएस्ट स्कोर इक्वल टू x, तो लोएस्ट मार्क्स कितने हो जाएंगे 40 आया हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम वैसे ही है, इसमें भी ये बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, यानी लक्ष्मी के फादर की एज दे दी इसने, और उसी का इक्वेशन बता रहा है, इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन दे रहा है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, ये बोल रहा है उसकी 49 तो एज दे दी, जैसे उसने हाईएस्ट मार्क्स भी दिया था और हाईएस्ट मार्क्स की कंडीशन भी दी थी, तो वैसे ही अब ये उसकी एज की कंडीशन देगा। ये बोल रहा है ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी वो लक्ष्मी की जो एज है उसकी 3 टाइम्स प्लस 4, यानी 3 टाइम्स और उसमें भी 4 ईयर और बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, लेट लक्ष्मी एज कितना मान लिया हमने, एक्स मान ली, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसके पापा की एज उसने कितनी दे दी 49 ईयर्स, ठीक है। इक्वेशन क्या बनेगी, इसने बोला था 3 टाइम्स, तो हमने लक्ष्मी की एज 3 टाइम्स कर दी, प्लस 4, यानी 3 टाइम्स और उससे भी 4 बढ़ा है, तो 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना है, उसके पापा की एज उसने दे ही रखी है 49, तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x इक्वल टू 49, ये 4 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 4 कितने होंगे 45, 3x इक्वल टू कितना होगा 45, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 5 से जब इसको कट करेंगे तो 5 1, और ये 15 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 नहीं आएगा या 3 आएगा, गलत कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगा x के, क्योंकि x के साथ 3 है मल्टीप्लाई में, तो 3 जाएगा डिवाइड में, 5 नहीं, तो 3 से एक और ये कितने पर 15 पर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 15 ईयर्स, किसकी आई है x की वैल्यू, और x हमने क्या माना था लक्ष्मी की एज, तो क्या आ गई लक्ष्मी की एज 15 ईयर्स। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो ये था हमारा प्रैक्टिस वर्क, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो इसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू टेक 3/4 ऑफ ए नंबर एंड ऐड 3 टू इट गेट 21,
आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तब आराम से समझ में आएगा। ये बोल रहा है इफ़ वी टेक थ्री फोर्थ, यानी थ्री फोर्थ लेना है ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का थ्री फोर्थ लेना है एंड एड थ्री टू इट, और उसमें प्लस क्या करना है थ्री, इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो ये इक्वेशन बन जाएगी और उसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है मोहन थिंक्स ए नंबर इफ ही एड 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाई 5 ही गेट 8। तो नंबर निकालना हमें, ठीक है, फाइंड दैट नंबर, जो नंबर उसने माना था वो निकालना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन आइसोसेल्स ट्रेंगल द बेस एंगल आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रेंगल वो होती है जिसके दो एंगल यानी दो साइड्स इक्वल होती हैं, अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये बोल रहा है बेस एंगल, जो बेस पर दो एंगल बनेंगे वो इक्वल हैं, एंड वर्टेक्स एंगल, और उस बेस से मिलने वाला जो एंगल होगा वो बेस के दोनों साइड से मिलने वाला एंगल जो होगा वो 40 डिग्री दे रखा है इसने। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ ट्रेंगल, तो उस ट्रेंगल के दोनों बेस एंगल निकालने हमें कितने के होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों को क्या मान लेंगे, एक्स और एक्स मान लेंगे। तो इसमें जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना वो यूज़ करेंगे, किसी भी ट्रेंगल के जो तीन एंगल होते हैं उनके एंगल का सम कितना होता है 180। तो एक्स प्लस 40 इक्वल टू 180, ये वाली इक्वेशन बना लेना इसमें। तो 2x इक्वल टू 40 इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, तो उससे x की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल सेंचुरी, हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन, ईच वन स्कोर। तो ये बोल रहा है कि दोनों ने कितने रन बनाए थे, दोनों के अलग अलग बताने हमें। अगला बोल रहा है इरफान सेज He had 7 marbles more than 5 times the marble Primit has, यानी ये बोल रहा है कि प्रमीत के पास जितने मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स और उस 5 टाइम प्लस 7 यानी 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा हैं, और उसने इरफान के पास बता भी दिए कितने, यानी एक तो इक्वेशन की कंडीशन दे दी और दूसरे उसके नंबर बता दिए, ठीक है, जो हमने लक्ष्मी वाले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही है। इरफान हैज़ 37 मार्बल, हाउ मैनी मार्बल्स प्रमीत हैज़, तो प्रमीत के पास कितने मार्बल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ए नंबर सेड, मतलब कोई भी ये बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो बोलता है टेक मी ए 7 टाइम ओवर, ये बोल रहा है एक नंबर बोलता है कि मैं जितना हूँ मेरे को उसका 7 टाइम्स ले लो, 7 टाइम्स और ज़्यादा ले लो, एंड ऐड ए 50 और मेरे अंदर एक 50 प्लस कर दो, यानी 7 टाइम्स लेना है प्लस 50 करना है, टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, और ये बोल रहा है कि इतना करने के बाद भी हमें ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 तक पहुंचने में अभी 40 की कमी है, ये बोल रहा है 40 की और ज़रूरत है, फाइंड द नंबर, तो हमें वो नंबर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स बोला है तो हमने क्या कर लिया, नंबर मान लिया x, उसका 7 टाइम्स ले लिया तो 7x, उसमें प्लस 50 करना है तो प्लस 50 यानी 7x प्लस 50, और ये बोल रहा है 300 तक पहुंचने में 40 कम है, तो यानी इसके अंदर अगर हम 40 प्लस कर देंगे तो 300 हो जाएंगे। ये बोल रहा है कि मान लो मैं बोलूँ कि आपके पास 20 रुपये होने में 10 रुपये की कमी है, तो मैं अगर आपको 10 रुपये और दे दूँ तो आपके पास हो जाएंगे 20, तो वैसे ही जितने की इसमें कमी आ रही है उतने ही हम इसमें प्लस कर देंगे तो ट्रिपल सेंचुरी हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 7x प्लस 50 प्लस 40 इक्वल टू 300, तो आप आगे इसको सॉल्व कर लेना, वो नंबर निकल आएगा आपका। तो ये था आपका होमवर्क। अब भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।